जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि विवाह की आपको विवाह निकालना बता दिया, डेट निकालना बता दिया, आपको कैसे मुहूर्त निकाले जाते हैं सबके बारे में आपको हम बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं विवाह के जो फेरे का जो संस्कार कराया जाता है, उस संस्कार के समय जो लग्न होती है वो आप कैसे निकालेंगे, लग्न के समय आपको क्या क्या देखना चाहिए वो आपको उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और किसी मित्र ने हमारे लिखा भी था, वीडियो देख कमेंट किया था कि पंडित जी हमें लग्न निकालना भी बताइए, तो इसलिए हमें ये लग्न बनानी पड़ रही है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई कमी ना रहे, हर चीज़ हम आपको बताते चलें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ लग्न के लिए। तो अब आप मुहूर्त निकालते हैं, लग्न निकालते हैं, तो उस दिन भी आप ये ध्यान रखो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो लग्न निकालने से पहले आप क्या देखेंगे कि उस दिन कोई हमारा तारा डूबा तो नहीं है, जैसे इस समय बृहस्पति डूबे हुए शुक्र अस्त हैं। अगर कोई तारा डूबा हुआ है तो उस समय भी आपका कोई लग्न नहीं होती, कोई फेरे का टाइम नहीं होता, वो अशुभ लग्ने होती है। ध्यान रखें कोई भी तारा नहीं डूबना चाहिए। उसके बाद देखा होगा अपने पंचांग में भद्रा लिखी रहती है, उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फेरे करा रहे हैं उसमें भद्रा का वास नहीं होना चाहिए। भद्रा क्या देख कब होती है वो आप समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, पूर्णमासी का पूर्व आधा से पहला भाग, एकादशी चतुर्थी, चतुर्थी के उत्तरार्ध भाग में भद्रा का वास होता है, उस समय भद्रा होती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि हो, दशमी का उत्तरार्ध हो यानी आधा भाग व्यतीत हो चुका हो, सप्तमी है, चतुर्दशी के चतुर्दशी का पूर्वार्ध है, इसमें भद्रा का वास रहता है। अरे तो हो गई भद्रा कब कब रहती है, अब भद्रा का वास कहाँ होता है ये आपको ध्यान देना है। कि जैसे किस लोग में भद्रा, तो भद्रा जैसे कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, अगर उस दिन ये राशि पड़ रही हो तो समझ लो जिस दिन आपने देखा कि इस दिन भद्रा लगी हुई है, उस दिन देखकर राशि कौन सी पड़ रही है, अगर कुंभ राशि है, मीन है, कर्क है या सिंह है, तो समझ लो कि भद्रा का जो वास है वो मृत्यु लोक में होगा। इसी तरह उस दिन जो राशि पड़ रही है, जिस दिन भद्रा का वास है उस दिन कौन सी राशियाँ पड़ रही हैं, मेष, वृक, मिथुन, वृश्चिक, तो समझ लो भद्रा का वास जो है स्वर्ग लोक में है। अगर उस दिन भद्रा है उस दिन चंद्रमा जो है किस किस राशि में हो, कन्या, तुला, धन, मकर, तो समझ लो भद्रा का वास उस दिन पाताल में। तो कहा गया स्वर्गीय भद्रम, स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्य, अगर स्वर्ग लोक की भद्रा है तो सभी कार्यों के लिए शुभ है, शुभ कार्य के लिए, हर कार्य के लिए वो शुभ होती है। स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्य यानी सब शुभ कार्य के लिए वो शुभ होती है। पाताले च धनागमा, पाताल लोक की जो भद्रा होगी जैसे 6, 7, 9, 10, धनागमा धन के लाभ के लिए, धनाधिलाभ के लिए संबंधित जो कार्य है वो आप कर सकते हो, धनलाभ के लिए तो अच्छी है। मृत्युलोके यथावृष्टि, अगर मृत्युलोक में भद्रा है उस दिन तो समझ लो हर कार्य का विनाश करती है, सर्वनाश करती है। तो भद्रा का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप विवाह संस्कार कराने जा रहे हैं उस दिन भद्रा जो है मृत्युलोक की नहीं होनी चाहिए, वो सारे काम का विध्वंस कर देती है। दूसरा, उसके बाद फिर हमको क्या देखना पड़ता है, नक्षत्र। नक्षत्र आप देख लें कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो आपको विवाह के नक्षत्र आपको मालूम है, मूल, अनुराधा, मृषरा, रेवती, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाति, मघा, रोहिणी, ये नक्षत्र जो है विवाह के नक्षत्र हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से मास में हम विवाह कराते हैं, तो ध्यान रखो विवाह के जो मास हैं वो है वैशाख, जेठ, आषाढ़, और उसके बाद अगहन, माघ, फागुन, ये जो 6 महीने हैं विवाह के हैं। विवाह संस्कार के लिए जो शुभ मास माने गए हैं वो ये 6 महीने ही शुभ माने गए, तो इन मासों को आपको ध्यान रखना है कि इन मासों में हमको विवाह कराना है। दूसरा, ये देखना है कि विवाह में वर्जित क्या है, विवाह में वर्जित चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या नहीं देखना चाहिए। जैसे लड़का लड़की है तो उनका उस दिन जन्म मास नहीं होता है, जिस महीने में उन बच्चों का जन्म होता है उस महीने में उनका विवाह संस्कार ना करें। उनका अगर नक्षत्र पड़ रहा है तो उस नक्षत्र वाले दिन उनका विवाह नहीं होना चाहिए, उस नक्षत्र का भी वर्जित करिए। और जन्म तिथि जो उनकी तिथि है, जैसे परिवार है दो जन जो तिथि पड़ती है वो भी विवाह में वर्जित मानी गई। लड़का लड़की की वो तिथि हो, नक्षत्र हो, महीना हो,
वो विवाह में वर्जित है। उसके बाद हम विवाह करें तो कब करें, कौन सी लग्न में करें, क्योंकि प्रश्न यही था उसका बच्चे का कि आप लग्न बताएं कि हम किस उसमें लग्न में फेरे कराएं। तो अगर हमारे पास समय तो हमारा जो शुभ मुहूर्त हम कौन कौन सा मानते हैं, जैसे दिन में एक सबसे शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत का, सुबह दिन में भी रात में भी, तो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:40 से लेकर के 12:25 तक का, 12:15 तक 45 मिनट या 40 मिनट का होता है अभिजीत मुहूर्त। आगे मैं आपको बताऊंगा अभिजीत मुहूर्त निकालते कैसे, तो वो 40 मिनट के आसपास का ही होता है। तो एक तो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसके बाद होता है गौधिल वेला, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जब सूर्य हमारा अस्त होता है, जैसे गौवे शाम के समय अपने घर आती हैं संध्या के समय, जो उनके चरणों की धूल से जो धुंध छा जाती है वो जो काल होता है गौधिल वेला कहलाती है। वो कहते हैं कि हर कार्य के लिए, कोई भी आप काम करिए, हर कार्य के लिए वो हमारी शुभ वेला होती है, चाहे विवाह है, कोई भी संस्कार का काम है, शुभ कार्य आप गौधिल वेला में आप कर सकते हैं, उसमें आपको लग्न देखने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा है कि विवाह संस्कार है, दो आत्माओं का मेल है, स्थिर कार्य है, तो स्थिरता इसमें कोशिश करें कि स्थिर लग्न हो। स्थिर लग्न हमें पता है कौन सी होती है, वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ, ये हमारी तो स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न में विवाह करें। लेकिन इसके अलावा भी और भी लग्न होती हैं, वो आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे अंधाधि लग्न विचार, पहले आप ये समझ लीजिए कि दिन के अंधे लग्न कौन कौन सी होती हैं, जैसे वृष मेष वृष और सिंह, ये अगर लग्न है तो ये दिन के अंधे हैं। अगर इसमें आप कोई विवाह कर देते हो तो समझ लो वैधव्य का कारक हो जाएगा, विधवा का योग बन जाता है, ये आप समझ लीजिए, वहाँ वैधव्य योग का कार्य बन जाता है। तो दिन के अंधे हो जिस समय, उस समय इस संस्कार को नहीं कराना चाहिए, ये लग्न पड़ रही हो तो। इसी तरह बहरे लग्न हैं, क्या है, मकर तुला और वृश्चिक, इसमें अगर लग्न में आप करा देंगे तो दरिद्रता दुख का कारक बन जाएगा। रात्रि के अंधे जो है, रात्रि के समय मिथुन कर्क और कन्या, ये लग्न पड़ रही हो, इसमें आप अगर फेरे करा देते हैं तो बच्चों को धन की हानि होगी, जीवन उधर को धन की हानि झेलनी पड़ेगी। इसी तरह लगड़ी राशियां देख, लग्न देख लीजिए कौन सी है, धनु कुंभ और मीन। तो इसमें जो कुंभ है ये तो दिन की लगड़ी है, मीन जो है रात की लगड़ी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। जैसे दिन की लगड़ी तो कुंभ है, तो लेकिन अगर रात में आपको फेरे कराने तो आप कुंभ लग्न में विवाह करा सकते हैं। इसी तरह जैसे रात की लगड़ी कौन है, मीन, अगर ये मीन लग्न आपके दिन में आ जाए तो दिन में आप संस्कार करा सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तब आप इधर समझ लीजिए कि विवाह, हमने एक उदाहरण ले लिया है, आपको बता दी कि इस लग्न हो गया कि 21 मई को रात्रि को जो हमने मकर लग्न ली। अब आपको देखना है कि हम मकर लग्न क्या है, बहरी लग्न है, मकर लग्न जो है बहरी है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल कब किया, रात्रि में, तो इसलिए वहाँ ये रात्रि में अशुभ फल नहीं देगी, मकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें देखना क्या, जैसे हमने मकर लग्न ले लिया, या वृष है सिंह है वृश्चिक है या धन कुंभ है, इन लग्नों को लिया, इन लग्नों जो हमने लिया, तो इसमें हमें देखना है विवाह के संस्कार के समय हमें देखना क्या है कि आपने लग्न तो बना ली, जैसे हमने मकर लग्न बना ली, इसमें आपको चेक क्या करना है, पहले वो समझें लग्न की शुद्धि कैसे करोगे। ये ध्यान रखना है कि लग्न में, लग्न से 12वें शनि नहीं होना चाहिए, 10वें घर में मंगल ना हो, 3रे घर में शुक्र ना हो, और लग्न में चंद्रमा कोई पाप ग्रह ना हो। जैसे ये लग्न है हमारी, वो कह रहे हैं कि 12वें घर में है, 12वें भाव में यहाँ शनि नहीं होना चाहिए, 12वें अगर सैया भाव का होता उसकी हानि कर देगा, 10वें में मंगल, यहाँ पे मंगल नहीं होना चाहिए, और 30रे भाव में यहाँ पे शुक्र नहीं होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने कहा कि कूर ग्रह, कोई भी कूर ग्रह लग्न में बैठे तो वो भी अशुभ होता है, यहाँ शनि जो है अपने घर का है इसलिए उन्हें अशुभ माना जाएगा, लेकिन कोई भी शुभ क्रूर ग्रह जो है, जैसे मंगल है सूर्य है, वो लग्न में नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहा गया है कि लग्न का स्वामी, जैसे लग्न का स्वामी, यहाँ लग्न का स्वामी शनि है, लग्न का स्वामी बुध शुक्र से छठे नहीं होना चाहिए, यानी शुक्र कहाँ बैठा आपका, ये
शुक्र से छठा, तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम बैठा है, एक रोड का बुध और शुक्र से छठे भाव, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ये भी ध्यान रखें कि लग्न का स्वामी जो है शुक्र से और बुध से छठे नहीं होना चाहिए। आठवें स्थान में कोई भी लग्न आप बना रहे, आठवां स्थान ही होता है, इस स्थान पे भी कोई ग्रह नहीं होने चाहिए, यानी वैधव्य का कारक बन जाता है। सातवां भी मार्ग के हिसाब समझते ही है, तो इन सातवें में भी सातवें घर में कहा गया है कोई भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। जब आप फेरे करा रहे हैं, जब लग्न आप बना रहे हैं, जो भी लग्न आप बना रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान, चार चीज़ का और ध्यान रखेंगे क्या कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, शुभ हो चाहे अशुभ हो, किसी प्रकार की कोई ग्रह उस लग्न में नहीं होनी चाहिए। अष्टम भाव में चंद्रमा, लग्नेश और शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अष्टम भाव में जैसे मंगल है, बता दिया ना, अष्टम भाव में चंद्रमा और लग्नेश, ना चंद्रमा होना चाहिए ना लग्न का स्वामी होना चाहिए यहाँ, और कोई भी शुभ ग्रह अष्टम में उस समय नहीं होने चाहिए। ये आपको ध्यान देना, ये चार पॉइंट आपको लग्न में ध्यान देना है। आप विवाह संस्कार फेरे कराने जा रहे हैं, जो लग्न आप बनाए हैं, जिस लग्न में आप फेरे करा जा रहे हैं, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। ये चीज़ आप ध्यान करके अगर फेरे संस्कार कराते हैं किसी बच्चे का, तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको आज लग्न के बारे में बता दिया कि विवाह संस्कार के समय जो लग्न आप बनाएंगे उसमें आपको देखना क्या है। ये चार पॉइंट का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि 12वें भाव में शनि ना हो, 10वें मंगल ना हो, 30वें शुक्र ना हो, और लग्न में चंद्र और या कुर ग्रह नहीं होने चाहिए, सप्तम में कोई ग्रह ना हो, अष्टम में लग्नेश चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये जब विवाह संस्कार संबंधित आपको बता दिया कि फेरे का समय यानी लग्न का समय कैसे निकाला जाए, और वीडियो आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, इसी तरह ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं विवाह मुहूर्त से संबंधी है, गृह प्रवेश से संबंधी, अभी आपको हम एक वीडियो बताएंगे, गृह प्रवेश है और भूमि पूजन वगैरह है, इससे भी संबंधित कुंडली वीडियो डालने वाले हैं, उसको भी आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।